This is the Bank Nifty chart. It's a 30-minute chart on TradingView platform. Today I have traded on this chart. You can see on my position, I have done a small profit of 5,600 and something. So how I have got it? How could I judge the movement? Actually, I've drawn a trend line. Actually, I draw a support and resistance line. That is the resistance of a Bank Nifty on a 30-minute chart, which I have drawn earlier yesterday night, where you can see multiple times Bank Nifty have touched here and returned back, touched here, returned back, touched here, returned back. And that was the last tested area. And whenever in a 15-minute chart it makes a bearish candle here, I shorted here near around 35,200-210. ऐसा कुछ जगह पर मैंने शॉर्ट किया था इसको. हिंदी में बोलता हूँ तो इट विल बी मोर इजियर फॉर मी टू क्लैरिफाई. और उसके बाद मैंने नीचे भी एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया था, ये पहले से ही था. तो एग्जैक्टली यहाँ से गिरना चालू हुआ और धीरे धीरे गिरते 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 इधर आ गया. जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस डे का हाई था, वहां पर आकर वो आप 5 मिनट कैंडल में अगर देखेंगे इसको तो ये मल्टीपल टाइम्स इस जोन को टच किया था बहुत बार. मैं अभी इसको 15 मिनट्स में लाता हूँ. 15 मिनट्स में आप और इजीली समझ में आएंगे आपको. देखिए एक दो, यहाँ पर भी एक बार, तीन बार टच हुआ था. लेकिन ये ब्रेक होगा, ब्रेक ये होगा क्योंकि ब्रेक ऑलरेडी ये हो चुका है प्रीवियस डे हाई. आप देख सकते हैं इसको. तो मैंने मेरा टारगेट इस एरिया में कुछ लिखा था. एक्चुअली स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ, 35,200 में मैं शॉर्ट किया था और जुलाई के फ्यूचर में लिया था. उस वहाँ पर मैं 35,300, यू कैन सी मैं पोजीशन सी है यार, 35,000 ऑर्डर में देखिए, 35,304 में मैं शॉर्ट किया था इसको और बाई किया है 35,080 में. तो निकलता है क्या, देखिए नीचे आ गया ऑलरेडी, ऑलरेडी ये नीचे आ गया. मतलब ये 35,050 है, यहाँ पर पहुंच गया. ये 35,000 भी आ जाएगा प्रोबेबली क्योंकि इट्स ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग इज गोइंग ऑन. टू डेज अप मूवमेंट यू कैन सी, ये जो बन रहा था इधर भी ह्यूज अप मूवमेंट और कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो अब लाजमी है ना, तो ये तो आएगा. अभी मैं यहाँ से निकल गया हूँ लेकिन नीचे आएगा तो मैं फिर से इसको बाय ही करूंगा क्योंकि इन अ लार्जर टाइम फ्रेम यू कैन सी इन अ वीकली टाइम फ्रेम द ट्रेंड इज बुलिश, ट्रेंड इज बुलिश. यह इज द वीकली टाइम फ्रेम, तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है. ये प्रॉफिट बुकिंग होता है, कंसोलिडेशन होता है तो ये धीरे धीरे नीचे आ जाता है. तब देयर इज अ चांस फॉर ट्रेडर्स लाइक अस हु फॉलो ट्रेंड्स. तो अगर ये नीचे आता है तो मैं फिर से बाय करूंगा. सो दैट्स माय एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी. देखिए ये 34,880 चला आया, मतलब ये 34,000 अभी टच करने वाला है. लेकिन मैं उतना रिस्क नहीं लिया, इंट्राडे में ट्रेड किया है. एक्चुअली मेरा इंट्राडे था, नॉर्मल ट्रेड था लेकिन मैंने उसको होल्ड नहीं किया. यू कैन सी इट इज गोइंग टू टच 35,000. हाउएवर दैट वाज माय एनालिसिस एंड शॉर्ट ट्रेड. होप यू ऑल लाइक्ड इट. थैंक यू.